महिला कांग्रेस नागपुर शहर की ओर से महाराष्ट्र में हो रहे महिला अत्याचार के खिलाफ गुरुवार को आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र में हो रहे महिला अत्याचार के खिलाफ गुरुवार को शहर के संविधान चौक पर महिला कांग्रेस नागपुर शहर की ओर से साथ ही अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आंदोलन को देख पुलिस प्रशासन ने भी अध्यक्ष के साथ ही सभी पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में ले लिया। अपने खिलाफ उड़ती हुई हर आवाजों को कुचलने के लिए अपनी सत्ता और ताकत का इस्तेमाल कर रही और झुकना पड़ा तानाशाह सरकार। जब किसानों ने लिए कानून लाए, भूमि अधिकरण कानून लाए, हर कानून क्योंकि सरकार को पता है तानाशाही देश में चलेगा, लोकतांत्रिक तरीकों से चलेगा। आदि हमारी सड़कों पर आने को मजबूर हुई डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में कुलदीप सिंह सैंगन पर भूषण कुलदीप सिंह बलात्कारियों को लड्डू खिला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मत करिए, राष्ट्रपति जी अब भय दूर कर चुके हैं। मणिपुर से लेकर पूरे देश में कलकत्ता तक कई देखे आ रहे हैं। बदलापुर में 3 साल की बेटी थाने की 9 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ है। 9 साल की बच्ची का नवी मुंबई में महिला की बलात्कार के बाद हत्या हुई। महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार लिपापोती कर रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही। आपके खोखले नारों को बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटिया बचाना मुश्किल हो गया। महिला कांग्रेस ने ढाल दिया महाराष्ट्र के नागपुर से, महाराष्ट्र के कोने कोने से भाई बहनों ने आगाज कर दिया है कि अब ये महाराष्ट्र के नागपुर से ये आंदोलन नारी न्याय आंदोलन महाराष्ट्र के हर जिले हर विधानसभा हर गांव में जाएगा। कमेटियों का गठन हम कर रहे हैं। हम पीड़ित परिवारों के दरवाजे खटखटाएंगे, उनकी हिम्मत बनेंगे। हिम्मत मत हारिए, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जितने भी दोषी है खासतौर से नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक में चलाकर फांसी देंगे, फांसी दीजिए। ये आंदोलन देश भर में हो, संवैधानिक है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया ना। इस हिसाब से तो किसान भी आंदोलन कर रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए। भाजपा की सांसद कंगना रन आउट कहती है कि वो बलात्कारी है, वो किसान हत्यारे हैं। लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हम आदि आबादी को हक दिया है। हम निहत्थी है, हमसे किसी को खतरा नहीं, लेकिन हमें खतरा है। राष्ट्रपति जी कह रही है मैं चिंतित हूँ, राष्ट्रपति जी कह रही है मैं भयभीत हूँ। जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भयभीत और चिंतित है, उस आदि आबादी में कितना भय इन अपराधियों की वजह से। करके आपको लगता है न्याय मिलेगा? देखिए, काम रोको प्रस्ताव होता है, सदन रोको प्रस्ताव होता है। जितने भी अहिंसा के रास्ते पर चल, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों से भी पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि आंदोलन सही है, आवाज सही है, उचित है, कोई नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।